आरसीबी के खिलाफ मुकाबले से पहले अजिंक्य रहाणे का प्रैक्टिस में आया तूफान, धोनी और जडेजा ने भी लगाई चौकों और छक्कों की झड़ी। बताएंगे आपको कैसी चल रही है आईपीएल 2024 के पहले मुकाबले के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की तैयारियां। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप आईपीएल 2024 और क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि आईपीएल की शुरुआत 22 मार्च से होने जा रही है, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपना पहला मुकाबला भी 22 मार्च को ही खेलेगी। चेन्नई सुपर किंग्स का पहला मुकाबला चेन्नई में ही खेला जाएगा और निश्चित तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2024 की धमाकेदार शुरुआत करना चाहेगी। पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ भिड़ने वाली है। आईपीएल 2024 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने काफी पहले ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। चेन्नई में इस समय चेन्नई सुपर किंग्स का प्रैक्टिस कैंप लगा हुआ है, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़, महेंद्र सिंह धोनी, अजिंक्य रहाणे, दीपक चाहर, मुकेश चौधरी, सिमरजीत सिंह और राजवर्धन हंगरगिकर जैसे खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं और सभी खिलाड़ी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के सीनियर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे भी आईपीएल 2024 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, अजिंक्य रहाणे ने पिछले सीजन में धमाकेदार प्रदर्शन किया था और उम्मीद है कि आईपीएल 2024 में भी अपने बल्ले से कमाल करेंगे। अजिंक्य रहाणे नेट प्रैक्टिस के दौरान काफी देर तक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कई बेहतरीन शॉट्स भी लगाए। आपको बता दें, सिर्फ अजिंक्य रहाणे ही नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा भी घंटों तक बल्लेबाजी का अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही बल्लेबाजों ने नेट प्रैक्टिस के दौरान कई बेहतरीन चौके और छक्के भी जड़े। आपको बता दें, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से न सिर्फ बल्लेबाज अपनी प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं बल्कि गेंदबाज भी काफी देर तक गेंदबाजी का अभ्यास कर रहे हैं, चाहे मुकेश चौधरी हो या फिर सिमरजीत सिंह। इसके अलावा दीपक चाहर भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2024 से पहले काफी मजबूत नजर आ रही है और निश्चित तौर पर एक बार फिर से खिताब जीतने की प्रबल दावेदार होगी। अब देखने वाली बात ये होगी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ चेन्नई की टीम जीत हासिल करती है या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम बाजी मारती है। आपको क्या लगता है, पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जीत हासिल कर पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।